स्वागत करता हूँ। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। इसी कड़ी में स्वराज इंडिया पार्टी के संयोजक योगेंद्र यादव अपने जन सरोकार अभियान के जरिए प्रदेश के लोगों के बीच जा रहे हैं। हिसार पहुंचने पर योगेंद्र यादव ने चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। हमारी तैयारी है, 18 उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, 17 आज की तारीख में है और अगले ही सप्ताह और भी घोषित करेंगे। हमारा लक्ष्य यही है कि 90 के 90 पर हम उतारें ताकि हरियाणा में एक नई तरह की राजनीति शुरू हो सके। गन्नौर के उम्मीदवार को रद्द करने पर पूछे गए सवाल के जवाब में योगेंद्र यादव ने कहा कि हम विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और हमारे प्रत्याशी ने चुनावी प्रचार के लिए शराब बांटने की योजना बना रखी थी, इसी आधार पर उनकी उम्मीदवारी को रद्द करते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। हम सच की राजनीति करेंगे, हम मर्यादा की राजनीति करेंगे। हमारा उम्मीदवार ना जातिवाद का खेल खेलेगा, ना सांप्रदायिकता का, ना भ्रष्टाचार, ना पैसा बांटेगा, ना दारू। हमें शिकायत मिली अपने उम्मीदवार के बारे में और हमने उसकी जांच करवाई, दुर्भाग्यवश वो शिकायत सच निकली। हुआ नहीं था ऐसा कुछ भी, लेकिन उन्होंने बात की और बातचीत में कहा हाँ मेरी योजना है, शराब की पेटी तो मंगा के रखनी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। केवल इस आधार पर स्वराज इंडिया ने हरियाणा की जनता से माफी मांगी और उनकी टिकट काट दी। स्वराज इंडिया हरियाणा में जमीन तलाश रही है और नई तरह की राजनीति के जरिए प्रदेश की राजनीति में पैठ बनाने की कोशिश में है। R9 TV के लिए हिसार से रुद्र राजेश कुंडू की रिपोर्ट।